हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अपन बात करने जा रहे हैं कक्षा 12 की क्लास 12 राजस्थान बोर्ड, जिसकी बुक का नाम है रेनबो, जिसका चैप्टर नंबर 6 ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, जिसका पार्ट 1 अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहें। और इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सभी इसी चैनल की प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरी जो बुक है अपनी, उसके भी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस डाल दिए हैं, और कंपोजिशन पोर्शन के भी काफ़ी हद तक वीडियोस डाल दिए हैं। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें और साथ ही साथ इस चैनल को अपना माध्यम बनाएं तैयारी का, ताकि आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकें। तो चलो आज अपन चलते हैं अपने इस चैप्टर पे, जिसका की टाइटल है ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, यानी कि लिटरेचर के संबंध में पढ़ने का जो है, किस प्रकार से रीड करना है। तो इसका पार्ट 1 अपन ने देखा, जिसमें ये बताया गया कि भी मुश्किल से जो लोग हैं वो पढ़ना जानते हैं, बहुत कम लोगों को ये पता है कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। लोग सिर्फ मनोरंजन के लिए या अपना समय व्यतीत करने के लिए पढ़ते हैं, जबकि पढ़ने का मतलब ये नहीं होता। फिर पढ़ाई और पढ़ने और स्टडी के अंदर जो है अंतर बताता है। और अब जो है अपन बात करेंगे अगले की, तो ये पार्ट 2 यहां से शुरू करते हैं। देखो, द फर्स्ट थिंग विच ए स्कॉलर शुड बेयर इन माइंड इज दैट ए बुक ऑट नॉट टू बी रीड फॉर मेयर एम्यूजमेंट। अभी कर द फर्स्ट थिंग, यानी जो पहली चीज है, विच ए स्कॉलर, विच यानी जिसको कि स्कॉलर यानी विद्वान, शुड बेयर इन माइंड यानी उसको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। जो भी स्कॉलर है, जो पढ़ने जा रहा है, उसको पहली चीज जो अपने दिमाग में रखनी चाहिए वो है दैट ए बुक ऑट नॉट टू बी रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट, कि किसी भी पुस्तक को सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ना है। पढ़ने से पहले एक चीज दिमाग में ये रखनी है कि किसी भी चीज को सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ना है। हाफ एजुकेटेड पर्सन रीड फॉर एम्यूजमेंट। अभी कह रहा आधे पढ़े लिखे लोग जो है वो इसको मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, एंड आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट, और इसके लिए उनको दोषी भी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उनकी शिक्षा पूरी तरह अच्छी तरीके से नहीं हुई है। दे आर इनकेपेबल ऑफ एप्रिसिएटिंग द डीपर क्वालिटीज, दे आर इनकेपेबल यानी कि वो अयोग्य है, अक्षम है, किस बारे में, ऑफ एप्रिसिएटिंग यानी प्रशंसा करने में द डीपर क्वालिटीज, यानी कि जो उसके अंदर गहरी गुण है, गहरे गुण जो अंदर के डीप गुण है उनकी, दैट बिलोंग्स टू ए रियली ग्रेट लिटरेचर, जो कि एक महान साहित्य के होते हैं। यानी कि एक महान साहित्य के जो डीपर क्वालिटीज होती है, जो आंतरिक गुण होते हैं, उनकी एप्रिसिएशन करने की, उनकी प्रशंसा करने में वो अक्षम होते हैं। बट ए यंग मैन हु हैज पास्ड थ्रू ए कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी, लेकिन एक नौजवान के लिए जिसने कि किसी यूनिवर्सिटी का कोर्स पास कर लिया हो, ट्रेनिंग शुड बी डिसिप्लिन हिमसेल्फ एट एन अर्ली डे, नेवर टू रीड फॉर मेयर एम्यूजमेंट। तो उसको जो है इस प्रकार के अनुशासन को विकसित करना चाहिए कि सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं पढ़े। एंड वंस द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन हैज बीन फॉर्म्ड, और जब इस प्रकार की डिसिप्लिन की एक बार अगर हमें आदत बन गई, तो ही विल फाइंड इट इम्पॉसिबल टू रीड फॉर मेयर एम्यूजमेंट, तो वो जो है सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए पढ़ना उसके लिए असंभव हो जाएगा। तो अगर आप भी डीपर नॉलेज को प्राप्त करना चाहते हो, उसके डीप सेंस को अगर फील करना चाहते हो, एप्रिसिएट करना चाहते हो, तो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ना है। ही विल देन इम्पेशेंटली थ्रो डाउन एनी बुक विच ही कैन नॉट ऑब्टेन इंटेलेक्चुअल फूड। ही विल, और उसके बाद देन यानी तब, इम्पेशेंटली, इम्पेशेंटली का मतलब उतावलेपन में,
थ्रो डाउन यानी फेंक देगा एनी बुक, कोई किसी बुक को, फ्रॉम विच ही कैन नॉट ऑब्टेन इंटेलेक्चुअल फूड, यानी जिससे उसको इंटेलेक्चुअल फूड यानी कि कोई भी चीज जो है सीखने को नहीं मिलेगी, नई चीज नहीं मिलेगी, तो उसको वो फेंक देगा. एनी बुक विच डज नॉट मेक एन अपील टू द हायर इमोशन, कोई पुस्तक जो कि हायर इमोशन की उच्च भावनात्मक अपील नहीं करती हो. एंड टू हिज इंटेलेक्ट, और उसकी बुद्धि से, इस प्रकार से इंटेलेक्ट या बुद्धि को जो है इंटरेक्ट नहीं करती हो, तो ऐसी बुक को वो टच भी नहीं करेगा. बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ अगर अपन बात करें, द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट, की जो आदत है सिर्फ मनोरंजन के लिए पढ़ने की, बिकम्स विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल, जो कि हजारों लोगों की आदत बन चुकी है, एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ हैबिट एज वाइन ड्रिंकिंग, वो ठीक उसी प्रकार की आदत है जैसे कि दारू पीने की या शराब पीने की, और ओपियम स्मोकिंग या फिर अफीम या स्मोकिंग की जो आदत होती है, गांजा पीने की आदत जो है वैसी ही आदत है, यानी एक नशे के समान है. अगर आप सिर्फ मनोरंजन के लिए पढ़ रहे हो तो ये एक तरह का नशा है. इट इज लाइक नार्कोटिक, यानी कि ये जो है मादक पदार्थ के समान है, नशे के समान है. समथिंग दैट हेल्प्स, कुछ ऐसी चीजें जो कि हेल्प करती है टू पास द टाइम, समय बिताने में. समथिंग दैट कीप्स अ परपेचुअल कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग, कुछ ऐसी चीज जो कि सपने की, स्वप्न की अवस्था को निरंतर बनाए रखती है. समथिंग दैट इवेंचुअली रिजल्ट्स इन डिस्ट्रॉइंग ऑल कैपेसिटी फॉर थॉट्स, यानी कुछ ऐसी चीज जो इवेंचुअली यानी धीरे धीरे रिजल्ट्स यानी उसका परिणाम होता है, इन डिस्ट्रॉइंग यानी नष्ट हो जाती है ऑल कैपेसिटी, सारी क्षमताएं फॉर थॉट, विचार करने की. Giving exercise only to the surface parts of mind, और ये सिर्फ दिमाग के सतही भाग के लिए exercise होती है. And leaving the deeper spring of feeling, और leaving यानी छोड़ देती है the deeper spring of feeling, feel करने की जो गहरी भाव है. And higher faculties of perception employed, और इसके अलावा जो higher faculties यानी perception से संबंधित उसको feel करने इस चीजें जो है उनको छोड़ देती है, वो उस चीज को महसूस नहीं कर पाता, feel नहीं कर पाता, miss कर देता है. तो अगर आपकी भी आदत जो है सिर्फ मनोरंजन के लिए पढ़ने की है तो ये किसी नशे से कम नहीं है. तो आप अपने आप को इस तरीके से ट्रेन करो, अभी से ट्रेन करो कि आप मेर अम्यूजमेंट के लिए नहीं पढ़ के उसकी अपने ओपिनियन, अपनी राय बना सको. द टेस्ट ऑफ ए ग्रेट बुक इज वेदर वी वॉन्ट टू रीड इट ओनली वंस और मोर देन वंस. अभी करा जो टेस्ट है एक ग्रेट बुक का, वो इस बात से साबित होता है कि उस बुक को आप एक बार पढ़ना चाहते हो या एक बार से ज्यादा पढ़ने की इच्छा होती है. एनी रियली ग्रेट बुक वी वॉन्ट टू रीड द सेकेंड टाइम इवन मोर देन वी वॉन्टेड टू रीड इट द फर्स्ट टाइम. अभी अगर कोई भी अच्छी पुस्तक जो है ग्रेट बुक वो होगी जिसको कि हमें उसको दोबारा पढ़ने की इच्छा पहली बार पढ़ने से भी ज्यादा होगी, यानी अगर हमने अच्छी बुक पढ़ी है तो उसको वापस पढ़ने की इच्छा होगी हमारी. एंड एवरी एडिशनल टाइम दैट वी रीड इट वी फाइंड न्यू मीनिंग्स, और हर अगली बार जब हम उसको पढ़ेंगे, उसी सेम बुक को अगर दूसरी बार पढ़ेंगे, तो जितनी बार भी पढ़ेंगे उतनी बार हमें उसमें से नए अर्थ समझ में आएंगे. एंड न्यू ब्यूटी इन इट, और इसके अंदर की जो नई खूबसूरती है वो हमें नजर आएगी. ए बुक दैट ए पर्सन ऑफ एजुकेशन एंड गुड टेस्ट डज नॉट केयर टू रीड मोर देन वंस इज वेरी प्रोबेबली नॉट वर्थ मच. वगैरह एक बुक जो कि एक व्यक्ति जो है जो एजुकेशन यानी शिक्षित व्यक्ति है और गुड टेस्ट अच्छे इस पढ़ने में इंटरेस्टेड है या अच्छी समझ वाला व्यक्ति है, वो डज नॉट केयर रीड मोर देन वंस इज वेरी प्रोबेबली नॉट मच वर्थ. अगर किसी बुक को वो दोबारा पढ़ने की उसकी इच्छा नहीं है तो उस किताब का बहुत ज्यादा महत्व
नहीं है अभी। कोई भी पढ़ा लिखा इंसान या इंटेलेक्चुअल पर्सन अगर किसी बुक को सेकंड टाइम पढ़ने की उसकी इच्छा नहीं है, इट मीन्स उस बुक में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। बट वी कैन नॉट कंसिडर द जजमेंट ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल इनफेलिबल। लेकिन ये कह रहा है हम किसी भी एक व्यक्ति की राय से जो है किसी जजमेंट पर नहीं पहुंच सकते, निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। भी एक व्यक्ति ने कहा कि ये किताब अच्छी नहीं है और हमने मान ली है अच्छी नहीं है, तो ये भी ठीक नहीं है। हम किसी एक व्यक्ति की राय से किसी बुक का जजमेंट नहीं कर सकते। द ओपिनियन दैट मेक्स ए बुक ग्रेट मस्ट बी द ओपिनियन ऑफ मैनी। बिकॉज जो राय किसी बुक को ग्रेट बनाती है वो कई लोगों की राय होनी चाहिए। फॉर इवन द ग्रेटेस्ट क्रिटिक आर एप्ट टू हैव सर्टेन डलनेस। अभी कह रहा कई बार जो है इसके लिए जो महान आलोचक हुए हैं उन्होंने भी जो है कुछ डलनेस दिखाई है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रहा है, कार्लिली फॉर एग्जाम्पल कुड नॉट एंड्योर ब्राउनिंग। अभी कार्लिली जो है वो ब्राउनिंग के बारे में उसने जो है नहीं लिखा, या बायरन कुड नॉट एंड्योर सम ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश पोइट्स, या जो बायरन है बायरन इंग्लिश पोइट्स के बारे में जो है एहसास नहीं कर सका क्रिटिक नोट लिखने की। ए मैन मस्ट बी मैनी साइडेड टू अटर ए ट्रस्टवर्थी एस्टिमेट ऑफ मैनी बुक्स। ए मैन मस्ट बी मैनी साइडेड, यानी एक आदमी को बहुत मैनी साइडेड का मतलब कई तरह की विचारधाराओं, कई एंगल उसके होने चाहिए, कई पहलू, हर पहलू को वो देखे, कई पहलू वाला होना चाहिए। टू अटर ए ट्रस्ट वर्दी एस्टिमेट ऑफ मैनी बुक्स, जिससे कि वो किसी भी मैनी कई बुक्स का जो विश्वसनीय एस्टिमेट है वो बता सके, आकलन कर सके। वी मे डाउट द जजमेंट ऑफ ए सिंगल क्रिटिक एट टाइम्स। अभी अगर हम किसी एक सिंगल क्रिटिक का जो जजमेंट है उसके बारे में डाउट कर सकते हैं, बट देयर इज नो डाउट पॉसिबल इन रिगार्ड टू द जजमेंट ऑफ जनरेशंस। लेकिन पीढ़ियों का जो जनरेशन का जजमेंट है, पीढ़ियों का जो जजमेंट है उस पर हम किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं कर सकते। इवन इफ वी कैन नॉट एट वंस परसीव एनीथिंग गुड इन ए बुक विच हैज बीन एडमायर्ड एंड प्रेज्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। इफ वी कैन नॉट एट वंस परसीव, अगर हम किसी चीज को तुरंत परसीव ग्रहण नहीं कर पाते हैं, एनीथिंग गुड इन ए बुक, कुछ भी अच्छा उस बुक में, विच हैज बीन एडमायर्ड, जिसको कि एडमायर्ड किया गया है, प्रशंसा की गई है, एंड प्रेज्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, सैकड़ों सालों के लिए, सैकड़ों सालों से, वी मे बी श्योर दैट बाई ट्राइंग बाई स्टडिंग इट केयरफुली वी शैल एटलीस्ट बी एबल टू फील द रीजन फॉर द एडमिरेशन एंड प्रेज। अगर किसी बुक को जिसको कि कई लोगों ने प्रशंसा की है, उसकी एडमिरेशन की है, और उस बुक में हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगे, या हम नहीं पता कर पाए कि भाई इसको इतना अच्छा क्यों बताया गया है, तो शायद पहली बार पढ़कर हमें वो चीज़ नहीं समझ में आए, लेकिन कंटिन्यूसली और उसको डीपली पढ़ेंगे तो उसका रीज़न भी हमें ज़रूर पता चलेगा कि भाई इस बुक को क्यों एडमायर किया गया है, क्यों इसका प्रेज किया गया है। The best of all libraries for a poor man would be a library entirely composed of such great works only. अगर सबसे अच्छी लाइब्रेरी जो है गरीब व्यक्ति के लिए वो यही है, entirely composed of such great works. इस प्रकार के great work जो है वो उसके लिए complete library है। Books which have वो pass the test of time. ऐसी किताबें जिसने कि time के test को महसूस किया है। देन दिस वुड बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइड फॉर अस इन द चॉइस ऑफ रीडिंग। देन उसके बाद वुड बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइड, यानी सबसे महत्वपूर्ण गाइड जो है फॉर अस, हमारे लिए, इन द चॉइस ऑफ रीडिंग्स, जो कि पढ़ने की चॉइस ऑफ रीडिंग है, यानी कि पढ़ने की जो रीडिंग है, वी शुड रीड ओनली द बुक्स वी वॉन्ट टू रीड मोर देन वंस। हमें वो किताबें पढ़नी चाहिए जिसको कि हम एक बार से ज़्यादा पढ़ना पसंद करें।
नोर शुड वी बाय एनी अदर्स, इसके अलावा हमें कोई दूसरी बुक्स नहीं खरीदनी चाहिए। अब यहाँ ये परीक्षा में पढ़ने वाली किताबों के बारे में बात नहीं कर रहा है, नई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो किताबें पढ़ी जाती है उनके लिए, ये साहित्यिक किताबों की बात कर रहे हैं, या जो बुक्स है उसके लिए जो अपने नॉलेज को अपने उसको डीप करे। Unless we have some special reason for so investing money, यानी उस बुक को, ऐसी कोई बुक जिसको कि आपको पढ़ने का दोबारे मन नहीं करे, उसको तब तक नहीं खरीदना चाहिए जब तक कि उसके खरीदने का कोई उचित कारण नहीं हो। The second fact demanding attention, अभी अगर अगली चीज जो है वो ये है, डिमांडिंग अटेंशन यानी जिसके ऊपर ध्यान आकर्षित करना है, इज द जनरल कैरेक्टर ऑफ द वैल्यू, यानी कि जो जनरल कैरेक्टर है वैल्यू का, जो जनरल कैरेक्टर दैट लाइज हिडन विद इन ऑल, जो कि उसके अंदर छुपा रहता है, सच ग्रेट बुक्स, इस प्रकार की किताबों में, इस प्रकार की किताबों के अंदर जो है जनरल कैरेक्टर की वैल्यू जो है वो छुपी रहती है। इसके बाद देखो, दे नेवर बिकेम ओल्ड, ऐसी किताबें जो है कभी भी पुरानी नहीं होती, डियर यूथ इज इमॉर्टल, उनकी जवानी सदा अमर रहती है। ए ग्रेट बुक इज नॉट एप्ट टू बी कम्प्रिहेंडेड बाई ए यंग पर्सन एट द फर्स्ट रीडिंग, वगैरह। एक जो महान बुक होती है, ग्रेट बुक जो होती है, वो एक ही बार में पढ़ने से किसी के भी उसको कंप्रेहेंड नहीं कर सकता, यानी कि उसको अच्छे से समझ नहीं सकता। कंप्रेहेंड का मतलब तो पता ही होगा, पैसे ज्यादा है आपका कंप्रिहेंशन के लिए, यानी कि समझना। एक्सेप्ट इन ए सुपरफिशियल वे, यानी कि जब तक कि कोई सुपरफिशियल यानी एकदम से कोई विशेष उसका तरीका हो तब तक, यानी कि एक बार में पढ़ने में समझ नहीं आने वाली। ओनली द सरफेस द नरेटिव इज एब्जॉर्ब एंड एंजॉयड, सिर्फ उसका एक बाहरी किनारा, उसका वर्णन, उसको आप एब्जॉर्ब कर सकते हो, उसका एंजॉय ले सकते हो। नो यंग मैन कैन पॉसिबली सी एट फर्स्ट रीडिंग द क्वालिटीज ऑफ ए ग्रेट बुक, अभी अगर कोई भी नौजवान पहली रीडिंग में किसी भी अच्छी बुक की क्वालिटीज के बारे में, उनकी अच्छी बुक की क्वालिटीज नहीं देख सकता। Remember that it has taken humanity in many cases hundreds of years to find out all that there is in such a book. याद रखो मानवता को कि ऐसी कई सारी किताबें हैं जिनमें सैकड़ों साल लगे हैं उनके अंदर की बात को ढूंढने के, कि भी उस बुक में क्या था। But according to ए मैंस एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, लेकिन एक आदमी के, मनुष्य के जीवन के अनुभवों से, टेक्स्ट विल अनफोल्ड न्यू मीनिंग्स टू हिम, जो भी लिखा होता है उसका एक नया मीनिंग, नया अर्थ उसके लिए निकलता है। द बुक दैट डिलाइटेड अस एट 18, अब वो बुक जो जिसने कि 18 साल की उम्र में जिसको पढ़कर हम खुश हुए थे, इफ इट बी ए गुड बुक, अगर वो बुक अच्छी है तो विल डिलाइट अस मच मोर एट 25, तो 25 की उम्र में हम उससे भी ज्यादा खुश होंगे। एंड इट विल प्रूव लाइक ए न्यू बुक टू अस एट 30 ईयर्स ऑफ एज, और 30 साल की उम्र में ये हमें नई बुक की तरह प्रूव होगी। एट 40 वी शैल री रीड इट, और 40 साल की उम्र में फिर से हम इसको पढ़ेंगे, एंड wondering why we never saw how beautiful it was before, तो हमें फिर से कोई नई चीज मिलेगी, उसके लिए हम आश्चर्य करेंगे कि अरे ये चीज मैं पहले क्यों नहीं पढ़ पाया, पहले क्यों नहीं समझ पाया। At 50 or 60 years of age, the same facts will repeat themselves, और 50 या 60 साल की उम्र के बाद भी यही फैक्ट जो है वापस रिपीट होगा। A great book grows exactly in proportion to the growth of the reader's mind. अभी एक अच्छी बुक जो है वो भी उसका भी जो ग्रोथ है, उसका जो वृद्धि है वो कैसे होती है, एग्जैक्टली जिस प्रकार से रीडर का यानी कि पढ़ने वाले का जो मस्तिष्क का जो विकास होता है, उसी के साथ ही एक अच्छी बुक का भी विकास होता है। तो इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर था जिसमें अपन ने बात की कि भाई ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू
लिटरेचर। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो आपको अपनी तैयारी को जारी रखना है और आपने जो भी अपना लक्ष्य बना रखा है उस लक्ष्य की तरफ निरंतर अग्रसर बने रहें। निश्चित रूप से एक दिन आप सफल होंगे। इसी आशा के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।